CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम बुद्धिर बलवती सदा। पुराने समय में एक घना जंगल था, उसके समीप एक गांव था। वहां बुद्धिमती नाम की एक महिला अपने पुत्रों एवं पति के साथ सुख से रहती थी। एक दिन उसके पति ने उससे कहा, देवी, अस्माकं परिवारः कियता सुखेन निर्भयं च वसति। प्रिय, सत्यम् परम कथम। अस्मिन् ग्रामे बहवा जना निवसन्ति, तेषु अहमेव सर्वश्रेष्ठो बुद्धिमान बलवान च। प्रिय, भवान बलवान इति कथम। देवी, उक्तिरस्ति यत् बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अहम् बुद्धिमान अस्मि अतः अहमेव बलवान अस्मि। प्रिय, एवं न चिंतनीयम्। देवी, अस्मिन् विषये त्वं कथं जाने? त्वं तु व्याघ्रगर्जना। अहो, इदानीं कुत्र यामि? किं करवाणि? अहम् बहु विभेमि, अद्य तु मरणमेव। प्रिय, त्वं तु बुद्धिमान बलवान श्रेष्ठः, परम इदानीं कंपते ते शरीरम। प्रिये, परिरक्ष, त्रायस्व, अहमेव मूढ़ः, मंदः, भवती, बुद्धिमती, त्रायस्व। अस्तु, यूयम् अत्रैव उपविशत्। प्रिये, यथा आदेश, यथा आदेश। एकाएक व्याघ्र रूप में सामने आई हुई आपदा को लक्ष्य करके अपने दोनों बच्चों को डांटती हुई बुद्धिमती ने अपने बुद्धिबल का प्रयोग करते हुए कहा, रे बालौ, किमर्थम कलहं कुरुतः? संपूर्ण व्याघ्रम एकाकी एव खादिष्यतः, इति तु नोचितम्। व्याघ्रः एक एव अस्ति, तमेव विभज्य खादितम्। व्याघ्रमारी, नूनमियं व्याघ्रमारी, मया शास्त्रेषु श्रुतं, सद्यः एव पलायतव्यमितः। डर के मारे भागते हुए व्याघ्र को देखकर सियार बोला, रे वनराज, कथं भयात् पलायनं करोति? रे श्रीगाल, त्वमपि इतः शीघ्रं पलायनं कुरु, यतो हि काचित् व्याघ्रमारी समागता, सा अस्मान् सर्वान् हनिष्यति। एतत्तु महदाश्चर्यं, मानवाधीतः व्याघ्रः पलायते। श्रीगाल, अहं तु प्रत्यक्षं तां दृष्टवान्, मां भक्षितुं कलहं कुर्वन्तौ स्वपुत्रौ सा चपेटिकया प्रहरन्ति आसीत्। हो व्याघ्र, त्वं मया सह तां प्रति चल, अधुना सा त्वां दृष्ट्वा स्वयमेव भीता भविष्यति, न भविष्यति चेत् त्वया अहं हन्तव्यः। रे श्रीगाल, चतुरः प्रतीयसे, मां मृत्युमुखे सम्प्रेष्य पलायनं करिष्यसि चेत् तदाहं किं करिष्यामि? कुत्र त्वाम् अन्वेषयिष्यामि? न न, एवं न, यदि तव मनसि शंका वर्तते तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चलतु। तब सियार को गले में लटकाकर आते हुए व्याघ्र को देखकर बुद्धिमती ने सोचा, ये समस्या बड़ी है, इसलिए इसका उपाय करना चाहिए। अए,
श्रीगालेन प्रेरितः अयम् कथम् अधुना अस्मात् संकटात् उद्धारो भविष्यति। किंचित् करोमि। ऐसा मन में निश्चय करके उसने अपने बुद्धिबल का फिर प्रयोग किया और बोली, रे जम्बुक, मह्यं दत्तं त्वया पूर्वं भोज्यं व्याघ्रत्रयं मुदा विश्वास्याद्यैकमानीय कथं यासि वदाधुना। एषः श्रीगालः तु मदनाशः करिष्यसि। हतोऽस्मि, हतोऽस्मि, व्यर्थमेव बद्धः, हतोऽस्मि, त्यज माम्, मुञ्च माम्, त्यज माम्, मुञ्च, मुञ्च रे। आपने सुना, अपनी बुद्धि के बल से बुद्धिमती ने व्याघ्र को पराजित कर दिया। इसलिए सत्य ही कहा गया है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास ही बल है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, अस्य व्याघ्रो मदोन्मत्तः बुद्धिमत्या पराजितः। बुद्धिर बलवती सदा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, गवीश द्विवेदी, गिरीश त्रिपाठी, प्रेरणा और धनश्री। ध्वनिंकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।